लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों पीतल दस्तकारों की पंचायत जामा मस्जिद पार्क में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पंचायत में बताया जा रहा है कि पीतल मजदूर जो कि घर के अंदर छोटी छोटी भट्टियों से एल्युमिनियम के आइटम व पीतल और तांबे के आइटम तैयार करके यहाँ के निर्यातकों और सप्लायरों को देते थे, जिससे कभी भी मुरादाबाद में प्रदूषण की समस्या नहीं आई। यह सिटी स्मॉल इंडस्ट्री सिटी है, यहाँ उद्योग के मानकों के आधार पर जीवन चलता है। यहाँ MDA की लगभग 100 कॉलोनियां बनाई गई। पीतल दस्तकारों को इन कॉलोनियों से दूर रखा गया। कभी MDA के मानक में पीतल दस्तकारों को कोई जगह नहीं दी गई। आज महापंचायत हम लोगों ने देश के जमहूरी निजाम का जब पहला हिस्सा हम आज़ादी का पहला जश्न मनाए थे और देश में जंगे आज़ादी की हमने मशाल ज्योति लाल किले पर लगाई थी, तो हमने देश के अंदर पहली दिन हमने ज्योति जलाकर देश के अंदर चौपाल की। उस जमाने में किसान जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के लोगों ने दिया था। आज देश के अंदर मजदूरों को बर्बाद किया जा रहा है भोराशी कंपनी। आज मुरादाबाद ये पहल करना चाहता है कि ये मुरादाबाद की धरती वो है, इस धरती में पहला स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुआ। यहाँ के लोगों ने कहा था उस देश के अंदर जो देश गुलाम होगा हमारा मर जाना बेहतर है। इस जमीन पे वो बच्चा पैदा हुआ था जिस बच्चे ने कहा था कि भोराष्ट्रीय कंपनी और भोराष्ट्रीय व्यवस्था को जलाने का कार्य करेंगे। आज मुरादाबाद के पीतल हर दस्तकार ने ये तय कर लिया है कि हम भोराष्ट्रीय सिस्टम और भोराष्ट्रीय व्यवस्था को जलाने का कार्य करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर पंचायत करने के बाद और ये डायरेक्शन देना चाहते हैं देश के अंदर, अगर इस देश का मजदूर नहीं होगा, जिस मजदूर ने हिंदुस्तान को बनाने का कार्य किया है, जिस मजदूर ने लाल किले से लेकर और ताजमहल तक और ताजमहल से लेकर इंडिया गेट तक कुर्बानी देने का काम किया है, अगर आज मजदूरों को मिटाने का काम किया जाएगा तो मजदूर सड़कों पर आएगा। ये पंचायत आज की तारीख में संदेश देना चाहती है देश के प्रधानमंत्री को कि आप आंखें खोले, अगर आप आंखें नहीं खोल पाएंगे तो देश का मजदूर जिस दिन सड़कों पर आ जाएगा तुम्हारी कुर्सी नहीं तुम मेरे ही बच पाओगे मेरे दोस्तों, ये मेरा मानना है।